तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ एक ऐसी अनोखी चीज़ जो शायद बहुत कम जगह आप लोगों को मिलेगी। तो ये है एक चैप्टर वाइज टेस्ट की कॉपी, चैप्टर वाइज टेस्ट की कॉपी है सर। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सर अगर आप ऐसे में आंसर लिख रहे हो तो आप लोग क्या गलती करते हो, ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेनी ही लेनी चाहिए। तो आइए चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल। जैसे सपोज शॉर्ट नोट लिखना है एथनिक मिक्स के ऊपर। अब यहाँ पे आंसर था, इन्होंने लिखा हुआ है एथनिक मिक्स रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन कल्चर। यहाँ पे कॉमन कल्चर के ऊपर हाईलाइट नहीं है, बहुत बड़ी गलती। ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर हाईलाइट नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे इनको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था और यहाँ से आंसर शुरू करना चाहिए था। इन्होंने ऐसी गलती करी है जिस वजह से ये बहुत ही लंबा हो जा रहा है और पूरा पूरा पैरा फॉर्म में लग रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो शॉर्ट नोट था अगर तो इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, लेकिन नहीं भाई ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। फिर यहाँ पे दिस लीड्स टू डुअल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एंड द वर्क फोर्स। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की कमी है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और करना चाहिए था, अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कमी है। फिर दूसरा यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया है आपने, एग्जांपल आप दे सकते थे एथनिक्स मिक्स में इंडिया, इंडिया से ज़्यादा अच्छा एग्जांपल कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं, तो ये एग्जांपल की कमी है। फिर इन्होंने लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, तो इन्होंने एथनिक मिक्स के थोड़े से बताया है कि कैसे काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इनका, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे गलती जो कर दी वो उसका इम्पैक्ट आगे दिखेगा नहीं। नंबर मिलने थे आपको यहाँ पे, ये आपने एक्स्ट्रा काम किया उसके नंबर नहीं मिलेंगे, बट सबकॉन्शियस माइंड में एग्जामिनर के पहुँच जाएगा कि भाई बंदे को आता है अच्छे से। फिर अब अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और दूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं देता हूँ एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको। अब आप यहाँ पे देखो पीटर फाइव फोर्सेस, यहाँ पे हर एक बंदा कम से कम दो गलती करके आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी गलती। ये देखो भाई बात ऐसी है, आप लोग बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हो। ये मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ ज्ञान 20 का जो आप लोगों ने शेयर किया था। अब यार इसका शेयर करने का रीज़न ये है कि आप लोगों ने हो सकता है नहीं सब्सक्राइब किया हो हमारा ज्ञान 20, तो बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो इस चीज़ का, हो सकता है वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं है इनरोल करे हुए हो तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने सारा सब कुछ बढ़िया से मेंशन किया, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि पीटर फाइव फोर्सेस किस लिए है, इसका पर्पज़ क्या है। पीटर फाइव फोर्सेस का पर्पज़ इन्होंने नहीं डिफाइन किया, बहुत बड़ी गलती। फिर उसके बाद इन्होंने कंपोनेंट डिफाइन किए हैं बहुत बढ़िया से, अच्छी बात है, लेकिन यहीं पे साथ में ही अगर इन्होंने फिगर बना दिया होता इसी पेज पर ही, मेरे ख्याल से अगले पेज पे बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ है, तो इसी पेज पे अगर फिगर बना देते बहुत बढ़िया होता। फिर सेट ऑफ न्यू इंटेंट के बारे में अगर एक्सप्लेन करते, यहाँ पर एक्सप्लेन करते, यहाँ पर एक्सप्लेन करते, और एग्जाम्पल के साथ अगर आप SM का स्टैटिक मैनेजमेंट का आंसर लिख रहे हो तो आप ज़रूर से अपना लिख के आओ, एग्जाम्पल ज़रूर कोट करके आओ। अब ये जो इन्होंने यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट किया है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। चैप्टर वन का टेस्ट के मैं बात कर रहा हूँ सर, पूरा टेस्ट मैंने स्टडी मटेरियल से लिया था, ये है ओल्ड कोर्स का जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इन्होंने जो ये मेंशन किया है स्टेप, ये बहुत ही अच्छे स्टेप हैं, मतलब इस पे आपको मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा इसको करने के बाद। बट यहाँ पे जो आप लोगों ने थोड़ा सा कमिंग कर दी, यहाँ पे मार्क्स कम मिल सकता है। तो जो पीटर फाइव फोर्सेस आपका आ सकता है 4 से लेके 7 मार्क्स तक का, तो आप लोगों को उसमें भाई पूरा आपको डिफाइन करना है कि पीटर फाइव फोर्सेस है किस लिए, फिर आप लोगों को ये बताना है, फिगर बनाओगे तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन किया है, जो इन्होंने मेंशन किया है बहुत ही बढ़िया आंसर है। तो यार ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि पैरा फॉर्म में नहीं लिखना है, एग्जाम्पल कोट करना है, टू द पॉइंट लिखना है और क्वेश्चन की एसेंस को ख़त्म नहीं करना है। लाइक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, वही अगर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस यहाँ पे मेंशन कर देते तो एक एसेंस बढ़ जाती आंसर की, एक आंसर का खुशबू एक अलग होती, आंसर का स्वाद एक अलग होता। ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा हमारा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ करता रहता हूँ कि भले आप लोग सब्सक्राइब करे हो,
हमारा कोई कोर्स चाहे नहीं करे हो, बट आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक ये एक मेरी मुहिम है ये कि सबके पास एक कॉमन नॉलेज पहुंचनी चाहिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो उसका अलग बेनिफिट है, नहीं करते हो तो भी आपका काम चल जाए। इस तरह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारा गेस्ट पेपर, अभी तक मैंने गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं दो दो सब्जेक्ट के, तीसरा गेस्ट पेपर बहुत जल्द आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए। और इस बार फाइनल का भी गेस्ट पेपर है। जय हिंद, वंदे मातरम।